दादी सा ने लगाया भीरा को खींच के थप्पड़, तो जिसके बाद अरमान ने रखा भीरा का ख्याल, लगाई अभीरा को दवाई। अभीरा हुई काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और काफ़ी कुछ अभीरा ने सुना दिया अरमान को। क्या है पूरी खबर, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल टीवी न्यूज़ पे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दादी सा का अभीरा को लेकर गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये नफरत इतनी बढ़ गई है कि अब इसी चक्कर में दादी सा कायरा को थप्पड़ मारने जा रही थी। दरअसल कायरा रूही को लेकर होली पार्टी में जाती है, जिसके बाद दादी सा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं और वो कायरा को थप्पड़ मारने ही वाली होती हैं कि बीच में अभीरा आ जाती है और उसे वो थप्पड़ ज़ोर से लग जाता है, जिसके बाद अभीरा दादी सा को ये बात भी बोलती है कि आपके घर वाले आपके सामने सच बोलने से डरते हैं क्योंकि सच बोलने का इनाम इन्हें थप्पड़ मिलता है। जिस बात को सुनकर दादी सा काफ़ी ज़्यादा सन्न रह जाती हैं, जिसके बाद अभीरा ये भी बोलती है कि आपका मेरे लिए नफरत काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आप अपने परिवार से ही कहीं दूर ना हो जाएं। इन सभी चीज़ों के बाद अभीरा कमरे में जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद वहाँ अरमान आता है और अरमान को जब ये सब पता चलता है, अरमान अभीरा की केयर करता है, उसके चेहरे पे कोल्ड वाटर बैग लगाता है और अभीरा अरमान को ये कहते हुए नज़र आती है कि दादी सा की मेरे लिए नफ़रत बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसी के वजह से दादी सा कहीं अपने रिश्ते ना खोती जाएं। अपने परिवार से प्यार करने से ज़्यादा दादी सा मुझसे नफ़रत करने लगी हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से दादी सा मुझसे इतना ज़्यादा नफ़रत करती हैं। अभीरा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर रोती रहती है, जिसके बाद अरमान अभीरा को समझाते हुए नज़र आता है। आपको कैसी लगती है इनकी जोड़ी, कब होगा इन दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपको कितना इंतज़ार, कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।